स्टोरी क्योंकि ये तीन कहानियां हैं इसमें, और किसी भी लव स्टोरी में हमने ये नहीं देखा है कि आप तीन कहानियों को इंटीग्रेट करके दिखा रहे हैं। ये फिल्म पुनर्जन्म के बारे में नहीं है, ये फिल्म रीइंकार्नेशन के बारे में नहीं है। किसी कोई मरता नहीं है और अगले जन्म में अपने लवर को देख के ये नहीं बोलता कि अरे मैं पिछले जन्म में तुमसे मिल चुका हूँ, ऐसा वगैरह कुछ नहीं होता। तीन अलग अलग कहानियाँ हैं, तीन अलग अलग कपल्स के बारे में हैं, और दौर अलग हैं बस, 1910, 1960 और 2012। एंड तीनों में हम कम्प्लीटली डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले कर रहे हैं, सो दैट इज़ वाई दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट फिल्म। I think it's a very sweet, cute, lovable film, and we all had a good time. Everybody seemed to be happy with the way that it's turned out, and obviously the last 3 days we also have three premieres lined up. One is in Dubai, one is in London, and one is in Toronto. We're excited. I would say that we're very excited. We're very proud of the film. We think it's a very sweet film. It's something that everyone can relate to. एंड आई थिंक अब जहाँ जहाँ रिलीज डेट क्लोज आ रही है, हम लोग इतने प्रमोशंस कर रहे हैं, थोड़े थक गए हैं बिकॉज वी बीन वर्किंग रियली हार्ड, बट वी आर एक्साइटेड अबाउट एवरीबॉडी वॉचिंग द मूवी। फिल्म की रिलीज डेट पास आती है तो यू आर ऑन द लास्ट लेग ऑफ प्रमोशंस, बट आई फील वेरी ओवरवेल्म्ड। हम लोगों ने काफी सिटीज विजिट किए इस बार। वी स्टार्टेड ऑब्वियसली एट आईफा इटसेल्फ, देन वी वेंट टू ऑस्ट्रेलिया, वी केम बैक, वी हैव बीन टू इंदौर, अहमदाबाद, दिल्ली, बैंगलोर, नाउ मुंबई, देन वी आर ट्रैवलिंग फर्दर अहेड, एंड it was wonderful to meet so many people and interact with them, and so much love and so much support. To bahut acha laga. Is film industry mein, Hindi film industry mein, jiske 100 saal pure ho rahe hain, I think sirf 6 filmein hain jinhone 100 crore kamaye hain, aur I don't think any actor can say ki meri film 100 crore kamane wali hai. You can never predict it. I think 2 saal pehle tak kisi ne socha bhi nahi tha, 2.5 saal pehle tak, कि इस तरह की कलेक्शंस कोई भी फिल्म करेगी। हमारी तो आशा है कि हमारी फिल्म जितना बिजनेस कर सके उतना अच्छा है, बट आई थिंक द बेस्ट थिंग टू से इज दैट वी वांट द ऑडियंस टू एक्सेप्ट द फिल्म एंड वी वांट द फिल्म टू डू वेल। आई मीन आई हैवंट सीन गैंग्स, सो मेरे को पता नहीं कैसी है फिल्म, बट पोस्टर से पता चल रहा है कि हमारी फिल्म में बहुत अलग है। आई मीन और अनुराग से बात भी की है मैंने अबाउट द फिल्म, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड एक्चुअली माई सेल्फ ऑल्सो टू वॉच इट, बट आई थिंक दोनों बहुत अलग जॉनर्स की फिल्म है। हमारी एक लव स्टोरी है, बहुत क्यूट, बहुत स्वीट मूवी है, एंड जहाँ तक मैंने गैंग्स को देखा, दैट्स अ वेरी यू नो हार्ड हिटिंग वायलेंट हार्ड हिटिंग मूवी, सो दे आर वेरी डिफरेंट जॉनर्स, सो आई डोंट थिंक देयर इज अ कंपेटिटिव स्पेस एट ऑल। हर फिल्म किसी ना किसी फिल्म के साथ रिलीज होती है। They seem to be very happy. They seem to have liked the film, enjoyed the film. It was a very small set of people. Almost everybody jo film se attached hain, they were there. Cast and crew of the film was there, and some family members of me, Priyanka, Kunal, Vicky, and everybody else who's a part of the team. And they all seem to be quite happy. They all were smiling. Main hamesha alag genres karti hoon. आप मेरी पिछली तीन फिल्में ही देख लें, साथ खुनवा जो एक ड्रामा थी, उसके साथ ड्रॉन टू जो एक्शन फिल्म थी, एंड देन अग्निपथ जिसमें मैं एक चौल की लड़की प्ले करती हूँ, एंड नाउ तेरी मेरी कहानी जो एक कम्प्लीटली डिफरेंट लव स्टोरी है। तो इट्स मोर फन टू डू डिफरेंट काइंड ऑफ फिल्म्स देन टू थिंक अबाउट अच्छा मेरी ये फिल्म चली और ये नहीं चली। और 1910 जावेद कादरी एंड आराधना की जो लव स्टोरी है, वो अब ऐसी लव स्टोरी है जो मुझे तो ऐसा लगता है सबसे ज़्यादा ऑडियंस के साथ कनेक्ट करेगी, बिकॉज दैट्स द मोस्ट एंटरटेनिंग ऑफ द थ्री लव स्टोरीज। एज फार एज रिलेटेबिलिटी इज कंसर्न, द फिल्म हैज़ टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, लव एंड एंटरटेनमेंट, एंड इफ आई थिंक पीपल वॉन्ट टू सी दैट, विच इज वॉट आई फील, इफ दे आर कमिंग टू सी अ लव स्टोरी, देन दोज आर टू थिंग्स दे आर लुकिंग फॉर, एंटरटेनमेंट एंड रोमांस, एंड बोथ दीज फैक्टर्स आर देयर इन आर फिल्म। जो मेरा कैरेक्टर है जावेद कादरी का, दैट इज माई फेवरेट कैरेक्टर इन ऑल थ्री इराज, बिकॉज वो कैसेनोवा है, बदतमीज है, बेशरम है, लड़कियों पे लाइन मारता है, कुछ काम नहीं करता है, लफंटरगिरी करता है, शायरी मारता है, और लड़कियां उससे पट भी जाती हैं। तो आई थिंक हर लड़के को ये कैरेक्टर ऐसा लगेगा, काश मेरी लाइफ ऐसी होती, बिकॉज मैंने जब वो कैरेक्टर की कहानी सुनी थी तो मुझे लगा था काश मैं जावेद कादरी होता। तीनों कैरेक्टर्स बहुत अलग अलग प्ले रिटन थे मेरे लिए और शाहिद के लिए भी, एंड आई थिंक जो मेरे तीन कैरेक्टर्स हैं, 1910 में मैं आराधना प्ले करती हूँ जो एक सरदारनी लड़की है, तो उसको मैंने एक पंजाबी एक्सेंट दिया है। केप्ट अ वेरी सरगोदा की कहानी है जो अब लाहौर में है, जो अब पंजाब में है, सो आई केप्ट इट वेरी इंट्रिंसिकली पंजाबी। एंड 1960 में मैं रुखसार करके एक एक्ट्रेस प्ले करती हूँ, तो उसके लिए मैंने सारा बानो मैम से भी बात की थी, और मनीष मल्होत्रा जो मेरे कपड़े कर रहे हैं उन्होंने आशा पारेख मैम से भी बात की, जिन्होंने हमें बहुत सारे इंसाइट्स दिए कि एक्ट्रेसेस उस टाइम अपनी रियल जिंदगी में कैसी होती थी। एंड 2012 में एक कंटेम्प्रेरी कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ राधा, जो मेरी तरह है बिल्कुल,
confident, contemporary, modern, but at the same time is vulnerable. So keeping all three very different was a lot of fun.